ये दीवानगंज है जो भोपाल और विदिशा के सेंटर में पड़ता है। करीब 25-27 किलोमीटर वो भोपाल से है और लगभग उतना ही वो ये विदिशा से पड़ता है। और ये एक धार्मिक तीर्थ है, लेकिन ये पहला यहाँ पे अभी एक विधान चल रहा है, सिद्ध चक्र विधान चल रहा है यहाँ पे, जो नेमीचंद जी साहब करके एक हैं वो करवा रहे हैं और उन्हीं के सानिध्य में पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पे चल रही हैं। तो जो यहाँ की भोजनशाला है उसमें पिछले संडे से हम लोग काम कर रहे हैं, तो और वो अगले संडे तक चलेगा। 8 दिन के कार्यक्रम में हम कोई भी वीगन फूड, नॉन वीगन फूड हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, यानी एनिमल मिल्क नहीं आएगा, दूध दही घी वगैरह सबके सब्स्टिट्यूट हम लोगों ने निकाले हैं, उन्हीं सब्स्टिट्यूट से खाना बनता है यहाँ पे। ये वीगन कस्टर्ड है और ये नारियल की मलाई, नारियल ब्राउन नारियल की गिरी और काजू से मिलके बना है। काजू मिल्क और आलमंड मिल्क भी साथ में इसमें डाला हुआ है, नारियल का पानी सारा डाला हुआ है। फ्रूट्स हैं इसमें, सेवफल, केला, अंगूर, अखरोट और काजू और बादाम का दूध और काजू का दूध इसके अंदर है मिला हुआ साथ में, है ना, शक्कर से बना है। और ये सिंपल राइस है ना, ये वेज कोफ्ता है, इसमें वीगन दही डाला गया है और दही हमने नारियल की मलाई और नींबू से मिलके बनाया था, वो वीगन दही बनाया गया है ना। ये है दाल, प्लेन सिंपल कुछ नहीं है इसमें, तो वीगन ही होती है दाल तो ज़्यादातर लोगों के यहाँ, ठीक है। ये कुंदरू की सब्जी है, ये स्पेशल आइटम है, ये है श्रीखंड, ये नारियल की मलाई, काजू और नींबू, खटाई के लिए नींबू, शकर, इलायची, सब पांचों इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करके मिला के और पीस के बनाया गया है। और खाने वाले एक्सपर्ट, वो जो एनिमल मिल्क से जो दही बनता है और उससे जो श्रीखंड बनता है, तो जो एक्सपर्ट लोग हैं उसको चखने वाले वो बोलते हैं इसमें और उसमें अंतर नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा बना है। और ये वो है, और ये मंगोड़े आ गए बने हुए तैयार, है ना, ये तो मूंग की दाल से बना हुआ है। यहाँ पे जितना भी खाना तैयार हो रहा है, हम 8 दिन का यहाँ पे कार्यक्रम है, उस 8 दिन के कार्यक्रम में किसी भी एनिमल मिल्क का, एनिमल मिल्क से बने घी का, दूध का, दही का, पनीर का किसी का भी उपयोग नहीं है। ये इसमें नारियल, काजू और नारियल की मलाई, जो कच्चा नारियल आता है उसकी मलाई डाल के और इसको पीस के इसका दूध बनाया जाएगा। इसको डालना शुरू करो, ये नारियल का पानी है जो इसी में मिला दिया गया है। अभी ये पहला एक पीसा है, अभी इसको जितनी भी 2-3 बार पीसेंगे ना तो इसमें क्रीमी हो जाएगा, ये बहुत ही क्रीमी और अच्छा गाढ़ा हो जाएगा। इसके अंदर किसी भी तरीके का दूसरा आइटम जैसे कस्टर्ड पाउडर वगैरह भी डाला जा सकता है, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर भी मैं समझती हूँ वीगन है तो वो भी डाला जा सकता है, लेकिन ये बिना कस्टर्ड पाउडर के बना रहे हैं अभी यहाँ पे। इस दूध को हम पहले छान लेंगे अच्छे से और छानने के बाद में इसके अंदर सारे फ्रूट्स डाले जाएंगे, मतलब इसमें अनार, सेवफल, केला, चीकू, अंगूर अवेलेबल है तो वो, अखरोट, ऐसी सारी चीजें डाल के, इलायची वगैरह डाल के इसको फ्रूट कस्टर्ड की तरीके से तैयार किया जाएगा। ये हमने बादाम का दूध बनाया, दही बनाना बता देंगे, दही बना लेंगे और फिर उसी दही से हम चाहें तो श्रीखंड बना लें, आटा बना लें, छाछ बना लें, जैसा भी अपन चाहते हैं उसको अपन बना लेंगे। ये है नारियल, नारियल के कच्चा नारियल जो हरा वाला होता है उसकी मलाई है, ये पूरा उसकी मलाई है, ये निकाल के साफ कर दिया हमने और फिर इसमें हम पीसते जाएंगे इसको। ये नींबू है, नींबू का रस है ये, ठीक है, हम थोड़ा सा इसमें नींबू का रस डालेंगे। ये थोड़े से काजू हम डाल देंगे इसके अंदर तो ये और क्रीमी हो जाएगा, है ना। उसके बाद में आप इसको दही बड़े में दही जैसा यूज कर सकते हैं, इसको आप रायते जैसा यूज कर सकते हैं, रायता यानी अपन मेथी
दाना वगैरह डाल के, राई डाल के, और उसको बघार के पतला कर लो और उसके अंदर बूंदी डाल दो, या हम ककड़ी का रायता भी बनाते हैं, कद्दू का रायता भी बनाते हैं, तो उसमें भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। यह है दही, है ना, वीगन दही, नारियल, नारियल की मलाई, काजू और नींबू से बनाया हुआ। अब हम श्रीखंड बनाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से, है ना, लेकिन उसके अंदर हम नींबू की जगह कैरी का उपयोग करेंगे। मैं चेतना जैन, BSNL से मैंने VRS लिया हुआ है करीब 4 साल पहले, और उसके बाद से करीब 4 ही साल हो गए मुझे वीगन हुए भी, और तब से जहाँ जहाँ पे भी ऐसे वीगन कार्यक्रम करने के लिए कोई एनकरेज करता है या कोई होता है हमसे इम्प्रेस्ड होता है, तो हम उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत आसान है वीगन बनना, वीगन खाना जल्दी भी बनता है और सस्ता भी होता है। यानी जैसे हम 50 ग्राम बादाम लेंगे तो हम 1 लीटर दूध, 1.25 लीटर दूध हम उससे बना पाएंगे आराम से। 700-750 रुपए किलो बादाम है तो वो 35 रुपए करीब की पड़ती है, और 35 रुपए और गैस वैस का खर्चा मिला के 40 रुपए लीटर दूध हम बादाम का दे रहे हैं यहाँ पे आराम से। वीगन बन के हम अपने आप को बहुत सेटिस्फाइड फील कर सकते हैं कि हमारे कारण कम से कम लोगों की हिंसा होती है, कम से कम लोग प्रताड़ित होते हैं, जीव बहुत सारे गायें भैंसे उनके बछड़े अपनी माँ से दूर रहते हैं, तो वो सब प्रताड़ित होने से बचेंगे यदि हम लोग वीगन बनेंगे। मेरा खास उद्देश्य तो यही है। हमारा वीगन है, सब लोग हम लोग वीगन खाना खा रहे हैं, और इसमें हमारे साहब का सबसे ज्यादा सहयोग है। साहब के सहयोग, थैंक यू।